ये जिकड़ी भजनों का रंगारंग प्रोग्राम हर वर्ष की भांति गांव पड़ोला में किया जा रहा है, जिसके गायक शिव सिंह शोरावली ढोलक पर संगति कर रहे हैं, भाई पिंटू शर्मा बोल से पेड़ पर संगति कर रहे, भाई वीरेंद्र रोनी जा से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता हमारे अजीज मित्र पंडित रोहतास डीजे साहब जनधर से। आइए बहुत अच्छा रंगारंग प्रोग्राम मसा श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह शोरावली का हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। सज्जनों, बड़ा ही आनंद आ रहा है और गाने वाले एक से एक बढ़िया नेले पे दहला, और यह बात है तुम जाने पैसाने की तो मैंने ना तुम ते कल कही ना आज को त्यारे जोर एक एक करके आ जाएंगे सब गवैया, जब तक तुम जेब में हाथ ना देंगे बाप है तो त्यारे जोर पहुंच जाएंगे। निकार कितने तो जिकड़ी का मेला है, जिकड़ी सुनिए। और मास्टर जी कवि ने लिखा चार लाइनों में कैसे बेटा, कवि ने लिख दिया जिस भावना में भावना वो भावना बेकार है, कर भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सज्जनों, सब भाव की बात हुआ करती है और चार लाइनों में कवि समझा रहा है कैसे बेटा। और बाबा तुलसी पन की घास भई कृपा जो राम की सो बन गए तुलसी। तो भैया आइए, सर्वप्रथम जिकड़ी को पैदा किया और आप विद्वान है, सारी बात को आप जानते हैं। मास्टर जी साखी में क्या लिखा भैया, कैसे ओ
हाँ जी सज्जनों, अपने दिमाग को लगाते हैं। एक समय का जिक्र है, आप जैसे बुजुर्गों का दरबार लगा हुआ है, ऐसे ही एक दिन मुरली वाले का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार के अंदर मुरली वाले सिंहासन पर विराजमान है और पास में बैठी हुई है सतभामा, मुरली वाले के चरणों को दबा रही है। चरण दबाते समय एकदम मुरली वाले सतभामा को देख करके हंस जाते हैं। सतभामा ने कहा, ए नटखट कन्हैया, या तो मेरे श्रृंगार में कमी रह गई या मेरे भोजन में कमी रह गई। आप हंसे तो हंसने का कारण जरूर होगा। मुरली वाले ने कहा, ए सतभामा, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो तुम समझ रही हो। सतभामा ने कहा, प्रभु बचपन से जानते हैं सभी लोग आपको, बचपन से आप नटखट हैं, कारण जरूर होगा। मुरली वाले कहते हैं, सतभामा अगर तू वास्तविक सुनना चाहती है मेरा हंसने का कारण, तो अपने दिल पर धैर्य रखना और जिस बात को मैं बताने जा रहा हूं उस बात को भी गौर से सुनना। कहा, प्रभु क्या बात है, सुनिए। कहा, सतभामा जब त्रेता युग में जब मैं राम था तो तुमसे भी सुंदर, तुमसे भी अधिक मुझे प्रिय थी सीता। जब सीता का नाम सुना एकदम खड़ी हो गई सतभामा, कहा, ए मुरली वाले, मानती हूं सीता होगी लेकिन मुझ जैसी नहीं होगी। और आज इस बात को आप भी जानते हैं, तीन हट सबसे पहले बताइए, त्रिया हट और बाल हट और चेटा हट। अगर आदमी आज के युग में कहो दूसरे बैयर की बुराई करने लगे है ना, तो दूसरे की बैयर की जब बुराई सुन के बड़ाई सुन के अपनी बैयर ऐसे समझो जैसे तेल खोल गो हो। लेकिन सुनिए, अगर आप वास्तविक गहराई से सुनोगे तो आपको आनंद भी आएगा। और मास्टर सतभामा खड़ी हो गई और क्रोध में आकर के मुरली वाले से करे, सुनिए बंसी वाले क्या करे बेटा, कैसे रिस में पार गए
मुझे जिस बात का डर था आपने वही बात कर दी। सुनिए, जब से रचदई सृष्ट विधाता, जब से रचदई ये सृष्ट विधाता, एक अटल सत्य बड़ भारी है, और एक नार को देख खुशी भई कबू ना दूजी सारी है। कै सूरत और श्रृंगार, सूरत और श्रृंगार, नार को खुदई लग रहा प्यारा, और बाबा फिर मुस्काए गयो बंसी। सुनिए नया भजन। और भैया जी, मुरली वाले कह रहे हैं सतभामा मेरी बात सुनो। कैसे मां साहब, और क्या कह रहे हैं सतभामा बेटा? कहा बंसी वाले, केवल एक ही निवेदन है मेरा आपसे कि आप कैसे भी करके एक बार सीता के दर्शन मुझे जरूर कराना। और भैया, और आज मुरली वाले से सतभामा क्या कह रहे हैं बेटा दोहा में? कैसे बेटा, कैसे बेटा? अरे सुंदर सुगड़ी सुहामनी, कहा सतभामा मेरो ना वाले, करो बड़ाई मेरे रूप की यहां, कहा सीता को काम दिया मेरे, कहा सीता को काम। बात को सुनकर के कौन आता है बाबा साहब गरुड़, और गरुड़ कह रहा है बंसी वाले बार बार एक ही बात को कह रहे हो कि सीता ऐसी थी। उस समय को याद करो, कि समय को त्रेता युग में मैं भी तो था। गरुड़ मोहन की बात सुनी तो, गरुड़ मोहन की, राम राम साहब। और ये 61 रुपए का पुरस्कार ताऊ की तरफ से हमारे लिए, बार बार धन्यवाद। और भैया होता क्या है, गरुण मोहन की बात सुनी तो मत खाली करो भजीता है, और त्रेता में मैंने देख ली प्यारी, कैसी प्यारी सीता है।
लंका में काबी थी तुम ते बाऊ बात है तो क्यों मर सिवारियो लंका में कहा बीती तुम के याद करो बार रन की पर प्रभो बात कहूं मेरे मन की। मेरे भी मन में एक विचार आ रहा है, मुरली वाले कह रहे के सतभामा तो यूं करे कि मेरे सिवाय इस धरती पर कोई सुंदर स्त्री है ही नहीं। और गरुण तू का कह रहे हो तो सुनना चाहते हो? हाँ तो बेटा आज गरुण कह रहा है। क्या कह रहा है मास्टर? कैसे भैया? कैसे बेटा? दुनिया के पैसान की और तालीन की केवल एक बात कहूंगा आपसे, अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो कथा हाथ खड़े करके बता दो कि कथा क्या बात है भैया। यहां से भी कहानी ने मोड़ ले लिया। होता क्या है कि गरुण मोहन की बात सुनी तो, गरुण और मोहन की बात सुनी तो चक्र सुदर्शन आयो और हाथ जोड़ के मन मोहन दे ऐसे वचन कि छोटो मुंह और बड़ी बात, छोटो मुंह और बड़ी बात, प्रभु तुम्हें ना लगेगी अच्छी पर मैं बात कहूंगा सच्ची। मुरली वाले कह रहे अब तो मैं सतभामा तेड़ जीरो, गरुण तेड़ जीरो, चक्र तू का कह रहे हो? प्रभु सुनिए मेरी बात। और बेटा शुद्ध चिकड़ी और बारह मासी
और टाइम ज्यादा ना लंगो। कैसे मास्टर? याद हो भैया क्या कहा बेटा? हेरे ते मूछन में ता क्या कह रहा चक्र भैया? और चक्र फिर बोल रहे और बिना और कोई मेरे सिवा तेरे पास प्रभु का छुना लेना देना उसको जीवित नहीं छोड़ा। और सुनिए भैया दोस्त मैंने शिशु पाल मारिया तो, दोस्त मैंने शिशु पाल मारियो अरे नल कुमर को शीश मैंने देख धड़ते कियो न्यारो। और मेरा समय समापन की ओर के भांगो नहीं लेकिन चलते चलते क्या भैया पंडित जी मेरे मरने के बाद बेटा पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना क्यों ओ मेरे मुंह में गंगा जल मेरे मुंह में गंगा जल की जगह थोड़ी मदुरा झलका देना क्यों है गयो समय आ जाओ नंबर पे राम राम साहब भाई साहब हेरे है गयो समय आ जाओ नंबर पे।